अगर आपको पेनी स्टॉक के अंदर इंटरेस्ट है तो इस वीडियो आपके लिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ऐसा एक पेनी स्टॉक के बारे में आपके साथ मैं बात करने जा रहा हूं दोस्तों, जो स्टॉक का प्राइस चल रहा है 3.70 रुपया में, लेकिन दोस्तों इस सेक्टर का ही बहुत सारा स्टॉक है जो स्टॉक का वैल्यू होगा 1100 रुपया में। इस सेक्टर का स्टॉक है भारत फोर्स, जिसका प्राइस है 1200 रुपया, जहाँ कहाँ पे 1100 रुपया, कहाँ पे 3 रुपया। इस सेक्टर का और भी स्टॉक है EI इंजीनियरिंग, जिसका प्राइस है 3700 रुपया, CI ऑटोमोबाइल, जिसका प्राइस है 441 रुपया। इस सेक्टर का और भी बहुत सारा स्टॉक है, TVS होल्डिंग, जिसका प्राइस है लगभग 8000 के आसपास। इस सेक्टर का और भी बहुत सारा स्टॉक है, PTC इंटर इंडस्ट्रीज, जिसका प्राइस है लगभग 7600 रुपये आसपास। तो इस सेक्टर का स्टॉक है जिसको अभी मिल रहा है आपको बहुत सारा बहुत ही ज्यादा डिस्काउंटेड पाओ इस प्राइस में, सिर्फ 3.70 रुपये में मिल रहा है। इसके चलते दोस्तों अभी मैं आपको देखा हूँ इसके अंदर बायर का लाइन पर गया, क्योंकि दोस्तों ये जो स्टॉक है दोस्तों अभी बहुत ऊपर तक जा सकता है, बहुत सारे एक्सपर्ट का ऐसा कहना है। चलिए सबसे बड़ा बात है दोस्तों, अगर आप पेनी स्टॉक छोड़ के दूसरा स्टॉक में पैसा लगाओगे तो आपको क्या होगा, अगर आप इस स्टॉक में पैसा लगाओगे तो आपको क्या फायदा होगा। सपोज मान लीजिए आप टाटा मोटर्स, टाटा पावर, रिलायंस, जिस किसी भी स्टॉक के अंदर अगर पैसा लगाओगे तो आपका कितना होगा, एक साल में पैसा डबल होगा, ज्यादा से ज्यादा 2x होगा। लेकिन दोस्तों पेनी स्टॉक के अंदर दम है, एक साल के अंदर 2 गुना से छोड़कर 20-30 गुना तक हो सकते हैं। जैसे हम लोग, मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा, आप देख लीजिए। सबसे पहला देखिए हम लोग अगर टाइटन के बारे में बात करें, टाइटन एक टाइम चल रहा है 12 रुपया, देखिए 12 रुपया के आसपास चल रहा है, लेकिन इस टाइम पे जिसने बाय किया धीरे धीरे करके स्टॉक थोड़ा सा ज्यादा, उसके बाद स्टॉक ने एक बाउंस बैक मारा लगभग, यहाँ पे देखिए स्टॉक ने 3700 रुपया के आसपास चला है। मतलब जब पेनी स्टॉक था तब अगर आप बाय करके लोगे दोस्तों, आज आपके लिए ऐसे दमदार पेनी स्टॉक के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसके अंदर दम है आपको मालामाल करने का, बहुत सारे एक्सपर्ट का कहना है। दोस्तों मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ स्टॉक आपको मालामाल करता है, क्योंकि पेनी स्टॉक के अंदर बहुत सारा रिस्क हो रहता है, ज्यादा से ज्यादा पेनी स्टॉक आपका पैसा खा जाता है। लेकिन दोस्तों अगर आप सोच समझ के एनालिसिस करके पैसा लगाओगे तो आपका पैसा सेफ हो जाएगा। चलिए आज आपके लिए ऐसा पेनी स्टॉक के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसका अंदर प्रमोटर होल्डिंग बहुत ही अच्छा है दोस्तों, स्टॉक का फंडामेंटल बहुत ही अच्छा है, कंपनी का बिजनेस मॉडल भी बहुत अच्छा है, इसका जब प्रोडक्ट है दोस्तों आपका पसंदीदा प्रोडक्ट भी है, इसका प्रोडक्ट है इंडिया का बहुत फेमस बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट भी है। कुल मिला के स्टॉक का अंदर डायरेक्शन भी हो चुका है, अच्छा खासा लेवल भी मिल रहा है, आप चाहे तो यहाँ पे बाइक लेकर चले जाए। चलिए मैं आपको दिखाऊंगा स्टॉक के बारे में। देखिए स्टॉक का नाम है तापड़िया टूल्स, क्यों इसको मैं आपको बाय करने के लिए बोल रहा हूँ, क्यों इसको मेरे को अच्छा लग रहा है, मैं ऐसा नहीं मैं आपको बाय करने के लिए बोल दिया आप बाय कर लिया, क्योंकि दोस्तों पेनी स्टॉक का पैसा लगाने से पहले आपको भी एनालिसिस करना पड़ेगा। स्टॉक का मार्केट कैप बहुत ही कम है, 5.62 करोड़ का है, लेकिन स्टॉक का देखिए बुक वैल्यू बहुत ही अच्छा है, 191 रुपया, बढ़िया लगा मैं देखो। कंपनी डिविडेंड डील भी देखिए आपको माता घुमा देगा, 838% डिविडेंड डील बहुत ही अच्छा है। उसके बाद बात कर लेता है स्टॉक के बारे में दोस्तों, कंपनी का बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के अंदर आप जाके देख लीजिए कंपनी का बॉडी, देखिए डेट फ्री कंपनी है, कंपनी का माध्यम 1 रुपया कर्ज नहीं है, तो सबसे बड़ा बात है कंपनी का माध्यम 1 रुपया का भी कर्ज नहीं है। ऐसा पेनी स्टॉक आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों ज्यादा से ज्यादा पेनी स्टॉक के अंदर आप देखिए कर्ज का बोझ बहुत ज्यादा है, मतलब लेवलिटी बहुत ज्यादा है बॉडी। चलिए अभी हम लोग बात करते हैं कंपनी का टोटल एसेट के बारे में, एसेट भी इंक्रीज हो रही है, जहाँ पे 349 करोड़ था अभी इसको हो गया 396 करोड़ हो चुका है, एसेट भी अच्छा खासा इंक्रीज हुआ। हम लोग बात करते हैं कंपनी का शेयर कैपिटल, इक्विटी कैपिटल भी देखिए, जहाँ कहाँ पे 3 था अभी कहाँ पे 15 हो चुका है, उससे भी बढ़कर बात है। हम लोग बात करें इन्वेस्टर पोर्टफोलियो में जाकर देखिए, प्रोमोटर के पास 69.71% होल्डिंग है, इतना बढ़िया होल्डिंग आपको कौन सा मिनिस्टर के अंदर देखने को मिलेगा, बहुत कम मिनिस्टर के अंदर आपको देखने को मिलेगा। अभी हम लोग बात करते हैं क्वार्टरली प्रॉफिट भी देखिए, नेट प्रॉफिट जहाँ पे कंपनी के पास था नेक्स्ट क्वार्टर, इससे पहले क्वार्टर में 24 करोड़ का था, अभी हो चुका 28 करोड़ का, तो बढ़िया कंपनी के अंदर अभी आपको डेवलपमेंट देखने को मिले। तो कुल मिलाकर मैं आपको इतना बोलूंगा, अगर आपका पोर्टफोलियो में आता बढ़िया टूल्स को आप होल्ड कर सकते हैं, नहीं भी है तो बाय एंड डिप का प्लानिंग आज में सकते, पैसा लगाने से पहले अगर आपके पास कोई एनालिसिस इन्वेस्टर है तो उसके पास उसके पास से आप सलाह लीजिए, उसके बाद पैसा लगा दीजिए। उस पेनिस्टर को पैसा लगाना बहुत ही ज्यादा रिस्क होता है, मेरा काम है आप पेनिस्टर के ऊपर रिव्यू देना है, आपका काम है उसका अंदर छानबीन करके पैसा लगाना। दोस्तों अगर आपको लगता है इस वीडियो में थोड़ा सा भी हेल्पफुल है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई कुछ भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका सॉल्यूशन दे दूंगा।